गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:30 बजे हैं और इधर रितु की मम्मी ये आटा सान रही है। फटाफट कढ़ाई चढ़ा देते हैं, आलू भुजिया बनाना है। और ये आटा ये बैगन और ये पत्ता गोभी का सब्जी बनाएंगे आज। और ये तो आलू भुजिया बन रहा है, ये तोसिल खा करके जाएगा, अभी स्कूल जाएगा, इसको काट लेते हैं। पूरी लाना पूरी, ये बैगन काट दिए, अब पत्ता गोभी को काट देते हैं। इसको तो ऐसे कटना होगा गिलास। ये देखिए दोस्तों, खूब छोटा छोटा हो गया, हम गिलास से काट दिए। अब इसको धोएंगे, उसके बाद बनाएंगे। अभी तो रोटी बना रहे हैं हम लोग, इसको साइड में रख देते हैं। इसको धो देते हैं हम, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना है।
ये धोकर साफ कर दिए हैं, अभी हम लोग इसको भी बनाएंगे। खूब सुंदर फूला फूला बन गया दोस्तों ये रोटी, और उधर हम लोग आलू भुंजिया तैयार हो गया है। इतना सुबह बनाने के कारण क्या है कि बच्चा लोग स्कूल जाता है, उन्हीं लोग के कारण हम लोग सुबह सुबह बनाते हैं, और ऐसे भी सुबह सुबह बना करके कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद अपना अपना हम लोग काम काज में लग जाते हैं। ये थोड़ा सा तेल लगा देते हैं क्योंकि नाश्ता ले करके जाता है ना, सूखा रोटी ले करके जाएगा तो बाद में ठंडा होने के बाद इसको खाने का मन नहीं करेगा। तेल भी आ गया है नदी से, ये इसमें 3 पैक कर दिए रोटी, स्कूल लेकर के जाएगा, और ये तो खाने के लिए निकाल दिए, जितना खाना सकेगा खाएगा। थोड़ा सा भात भी खा ले रहा है क्योंकि ये लोग दिन भर रहता है ना, केवल रोटी खा करके जाने से भूख लग जाता है। ये हम लोग का रोटी भी तैयार हो गया है, और तौसील भी स्कूल के लिए तैयार हो चुका है, अभी वो निकलेगा। आज से तो गाड़ी भरपूर चलने लगा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 रोज तो गाड़ी नहीं चल रहा था, बहुत परेशानी हो गया था। ये हम लोग का लास्ट वाला रोटी तैयार हो गया है, अभी हम लोग बैगन और पत्ता गोभी का सब्जी बनाएंगे। नदी तो ये नहीं है, अभी हम ये सब्जी भाजी तैयार होता है उसके बाद में जाएंगे। और उधर तहसील को गाड़ी उड़ी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना ज़्यादा चल गया, अभी तो आवाज़ नहीं कर रहा। अभी ऐसे 7:30 बजा हुआ है, ऐसे 7:45-8 बजे तक भी आता है गाड़ी, और वो लोग का क्लास चालू होता है 9 बजे से। सुबह का काम केवल मिलजुल करके करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा लोग को स्कूल भेजना पड़ता है। अगर मिलजुल करके नहीं करते हैं काम तो जल्दी नहीं हो पाता है। बैगन और पत्ता गोभी को बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालेंगे,
केवल थोड़ा सा तेल डाल दिए और इसमें मिर्चा का छौंका लगा दे रहे हैं। ये सूखा वाला मिर्चा का छौंका लगा दिए हैं। ये अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, बस इतना ही डालना है। इसी से हम लोग का बन के तैयार हो जाएगा। हम लोग इसी तरह गांव में साधारण तौर से ही बनाते हैं, ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालते हैं। ये थोड़ा सा हल्दी डाल दिए, बस इतना ही में हम लोग को बना के कम्प्लीट कर लेना है। तहसील को गाड़ी मिल रहा है कि नहीं देख करके आते हैं।